स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंद्रा क्लास में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ की पैडागोजी। ये आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा YouTube पर मैथ की पैडागोजी डली हुई है, तो उसमें किसी ने कुछ चैप्टर करा दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ, तो क्रमवाइज आपको नहीं समझाया गया है। और मैं मैथ पैडागोजी की क्रमवाइज क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों, जिससे कि आप आसानी से अपने 15 नंबर जो हैं मैथ पैडागोजी के वो आप कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो पहली बात तो स्किप मत ना कीजिएगा, और दूसरी बात अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक तो बनता है वीडियो में, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैथ पैडागोजी के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट सी टेट में 2010 के बाद, वो मैं आपको अपने ही इसी चैनल पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ की पैडागोजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित का इतिहास। तो जब हम दोस्तों गणित का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है, वो ये कि गणित का अर्थ क्या है। देखिए गणित का अर्थ है केवल मात्र गणना करना, ठीक है। इसका कोई मतलब डिटेल में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, लेकिन कांट के अनुसार, कांट जी ने एक परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा था विज्ञान केवल तब तक विज्ञान है, विज्ञान केवल तब तक विज्ञान है जब तक कि वह गणित है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, और इनसे रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएँ किसने क्या कहा था, किस कौन के कितने तथ्य हैं, वो भी मैं आपको एक से अलग वीडियो बनाऊंगा, उन तथ्यों को करा दूंगा। तो ये पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गणित के इतिहास की, ठीक है। गणित का इतिहास दोस्तों इन पार्टों में बटा हुआ है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों। आदिकाल की बात करते तो 1000 BC से 500 BC तक है, BC मतलब ईसा पूर्व। और पूर्व मध्यकाल की बात करते दोस्तों 500 BC से 400 ईस्वी तक है, ठीक है। ये 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है, ये 1200 से 1800, और वर्तमान काल जो चल रहा है दोस्तों वो है 1800 से अब तक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल में क्या होता। सबसे पहले आदिकाल में ये पूछ लेता है कि शून्य की खोज किस काल में हुई थी। तो दोस्तों शून्य की खोज हुई थी आपकी आदिकाल, ठीक है। कब हुई थी? आदिकाल में शून्य की खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद दशमिक पद्धति, दशमिक पद्धति क्या है दोस्तों? जो दशमलव का आया था, जो दशमलव आपने लिखा हुआ 5.6, ये दशमलव का जो बिंदु आया था वो किस काल में आया था? इसी काल, ठीक है। उसके बाद भाग, गुणा, ठीक है, ये सब किस काल में आए थे दोस्तों? उसके बाद वर्गमूल, वर्ग, स्क्वायर जिन्हें हम बोलते हैं, वो किस काल में आए थे दोस्तों? आदिकाल में। उसके बाद क्रमचय संचय जो 10th में पढ़ा जाता है, 9th-10th में। उसके बाद लघुगणक जो लॉग होता है दोस्तों वो, और उसके बाद आती बात समुच्चय सिद्धांत की, जहाँ 12th में सबसे पहला चैप्टर इसी का है, और समुच्चय सिद्धांत दूसरा चैप्टर है। समुच्चय सिद्धांत की बात करें, समुच्चय सिद्धांत होता है दोस्तों इस प्रकार से कि किसी में ए में दो, बी इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन चलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी कि आदिकाल में क्या क्या हुआ था। शून्य की खोज हुई थी, दशमिक पद्धति आई थी, गुणा भाग भिन्न यहीं से हुए थे, और वर्गमूल घनमूल यहीं से आए थे, क्रमचय संचय यहीं से आए थे, लघुगणक यहीं से आया था, और समुच्चय सिद्धांत यहीं से आया था। उसके बाद बात करते दोस्तों पूर्व मध्यकाल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस प्लस की जानकारी हमें यहीं से होती है। देखिए गुणनफल पद्धति आई थी, और गुणनफल पद्धति में था क्या? गुणनफल पद्धति में था दोस्तों कि जब हम ऋणात्मक का धनात्मक से गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, ठीक है। मतलब जब हम माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो आएगा दोस्तों माइनस ही आएगा, जो हम आजकल करते हैं। और जब हम धनात्मक का गुणा धनात्मक से करेंगे, एक था इसमें, पहले इसको समझ आ जाए, जब ऋणात्मक का गुणा हम ऋणात्मक से करेंगे तो आंसर धनात्मक आएगा। मतलब ऋणात्मक का गुणा धनात्मक से करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, मतलब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक से मतलब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। यह दोस्तों इस गुणनफल पद्धति में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मध्यकाल की दोस्तों। तो मध्यकाल में आर्यभट्ट जी आए थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों? पाई का मान दिया था 4 संख्याओं तक, पॉइंट के बाद 3.1416 तक इन्होंने पॉइंट के बाद 4 संख्याओं तक क्या दिया था दोस्तों? पाई का मान दिया था। उसके बाद भास्कर प्रथम की बात करें दोस्तों, तो भास्कर प्रथम, देखिए पाई का मान यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है आपसे कि पाई का मान 4 अंकों तक किसने दिया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने,
ठीक है। भास्कराचार्य ने क्या किया कि आर्यभट्ट के द्वारा जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को विस्तृत में समझाया था, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों जो समीकरण के जो नियम होते हैं उन्हें दिया था। समीकरण के जो नियम होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण होते हैं, इनके जो नियम होते हैं उन्हें ब्रह्मगुप्त ने बताया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं महावीराचार्य की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? महावीराचार्य की। देखिए महावीराचार्य की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो इससे बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? लासापा दिया था। क्या दिया था? लासापा मतलब एलसीएम जो आप पढ़ते हो वो किसने दिया था दोस्तों? महावीराचार्य ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों? 850 ईस्वी में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 850 ईस्वी में दिया था। लेकिन इसका उपयोग दोस्तों 1500 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1500 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? यूरोप ने। किसने किया था दोस्तों? यूरोप ने। तो देखिए इसको समझते हैं डिटेल से। महावीराचार्य ने 850 ईस्वी में लासापा का नियम दिया था और 1500 ईस्वी में सर्वप्रथम वो प्रयोग किया गया था कहाँ पर दोस्तों? यूरोप में, ठीक है। उसके बाद धराचार्य जी आए और धराचार्य जी ने अपना सूत्र दिया, वो था प्लस माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये धराचार्य का सूत्र दिया था और इसी से विभक्तर का सूत्र निकलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों किसकी? नीलकंठ की, ठीक है। फिर हम किस में पहुँच जाते हैं दोस्तों? हम पहुँच जाते हैं उत्तर मध्यकाल में, ठीक है दोस्तों। किस में पहुँच जाते हैं? उत्तर मध्यकाल में। उत्तर मध्यकाल में नीलकंठ ने जिया, ठीक है, अपनी एक सिद्धांत में लिखा था जिया मतलब आर का मान दिया था। किसका मान दिया था दोस्तों? आर का मान दिया था। और पंडित नारायण पंडित जी ने गणित कौमों की सिद्धांत लिखा, मतलब गणित कौमों की एक पुस्तक लिखी थी। किसके ऊपर? गणित के ऊपर। उसके बाद बात आती है दोस्तों वर्तमान काल। और वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो वर्तमान काल में गोलीय रेखा गणित, दीर्घवृत्तीय लक्षण, रामानुजन, ठीक है, ये सब कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका वर्तमान काल में और यही हम अब पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेखा गणित का सिद्ध मतलब पूरी तरह से किसने प्रयोग किया था? तो वो यूक्लिड ने किया था, ठीक है दोस्तों। यूक्लिड एक अच्छे गणित शास्त्री थे, उन्होंने किया था। और उनकी थ्योरम पढ़ते हैं वो कि टेंथ जो है हमारी टेंथ क्लास जो है उसमें 1.1 जो एक्सरसाइज है वो यूक्लिड थ्योरम के आधार पर ही दी गई है। और यूक्लिड थ्योरम जो है वो होती है दोस्तों आपकी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है, और प्लस का शेष, ठीक है दोस्तों। ये है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। यूक्लिड ने थ्योरम दी थी वो ये है और उन्होंने ही विस्तार से रेखा गणित को दोस्तों समझाया था। तो ये लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों और लेक्चर फर्स्ट मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसी प्रकार से क्रम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है और वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं और पूरा मैथ का पैडागॉजी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको PDF नोट्स चाहिए तो दोस्तों आपको हमारा कुछ इमेज में व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट की लिंक दिखाई दे रही होगी, वहाँ से आप उसको क्लिक करके हमारे PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास समाप्त करता हूँ दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार से आपकी पूरी मैथ की पैडागॉजी मैं कराने वाला हूँ। तो धन्यवाद।